वेलकम टू माय चैनल। चलिए शुरू करते हैं आज का टेस्ट। रेलवे एनटीपीसी के लिए पहला क्वेश्चन है, एयर इंडिया के संस्थापक कौन थे? तो इसका उत्तर है JRD टाटा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, फलों की रानी किसे कहा जाता है? चलिए कमेंट्स बॉक्स में फटाफट टाइप कीजिए, फलों की रानी किसे कहा जाता है। इसका आंसर है लीची, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय एकता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? आंसर है 31 अक्टूबर, ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीभ में कितने प्रकार के स्वाद की कलिकाएं मौजूद होती हैं? जीभ में कितने प्रकार के स्वाद की कलिकाएं मौजूद होती हैं? और इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 5, डी। ठीक है, नेक्स्ट है, नासा कहाँ स्थित है, मतलब नासा का हेडक्वार्टर क्या है, नासा कहाँ स्थित है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वाशिंगटन DC। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, शिमला समझौता किस वर्ष हुआ था? शिमला समझौता किस वर्ष हुआ था? और इसका सही आंसर है 1972 में। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संसद भवन का प्रारूप किसने तैयार किया था? ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि आपके रेलवे में देखने को मिल सकता है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, एडविन लुटियंस। नेक्स्ट है, जलियांवाला बाग नरसंहार किस वर्ष हुआ था? जलियांवाला बाग नरसंहार किस वर्ष हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, भारत का प्राचीनतम तेल भंडार कौन सा है? भारत का प्राचीनतम तेल भंडार कौन सा है? इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये सारे। इसका आंसर है डिगबोई। डिगबोई कहाँ है? असम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट है, विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन हैं? विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है? और इसका आंसर है APJ अब्दुल कलाम। नेक्स्ट है, सचिन तेंदुलकर ने पहला टेस्ट मैच किस देश के विरुद्ध खेला था? सचिन तेंदुलकर ने पहला टेस्ट मैच किस देश के विरुद्ध खेला था? तो पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर बी। किडनी स्टोन का कारण क्या है? क्वेश्चन नंबर 13 है, किडनी स्टोन का कारण क्या है? किडनी स्टोन का कारण क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कैल्शियम ऑक्सलेट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, एक्सेल में कुल कितने कॉलम होते हैं? एक्सेल में कुल कितने कॉलम होते हैं? इसका आंसर है 256। ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, हरा सोना के रूप में किसे जाना जाता है? हरा सोना के रूप में किसे जाना जाता है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मतलब चाय को, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गो एयर का संस्थापक कौन है? गो एयर का संस्थापक कौन है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जहांगीर वाडिया, जहांगीर वाडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS ऑफिस क्या है? MS ऑफिस क्या है? तो बी, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीमोथेरेपी किस बीमारी के इलाज के लिए प्रयोग की जाती है? कीमोथेरेपी किस बीमारी के इलाज के लिए प्रयोग की जाती है? आंसर नंबर बी, कैंसर के लिए। नेक्स्ट है, दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है? दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है? और इसका सही आंसर है कावेरी। अगर दक्षिण गंगा सिर्फ आए तो दक्षिण गंगा पूछे तो वहाँ पे गोदावरी, और यहाँ पे पूछे अगर दक्षिण भारत की गंगा तब कावेरी होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए, होमो सेपियंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिरत्न किस धर्म से संबंधित है? त्रिरत्न किस धर्म से संबंधित है? आंसर है बौद्ध धर्म से, ऑप्शन नंबर सी, बौद्ध धर्म से संबंधित। नेक्स्ट है, भारतीय नोट पर कितनी भाषाओं में लिखा होता है? भारतीय नोट पर कितनी भाषाओं में लिखा होता है? तो इसका सही आंसर है 17 भाषाओं में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एयर कंडीशनर का आविष्कार
किसने किया था? एयर कंडीशनर का आविष्कार किसने किया था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, विलिस कैरियर। विलिस कैरियर। नेक्स्ट है, हमारे संविधान में आपातकालीन प्रावधान किस देश से लिया गया है? हमारे संविधान में आपातकालीन प्रावधान किस देश से लिया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जर्मनी से। आपातकालीन प्रावधान किस देश से लिया गया है? जर्मनी से। नेक्स्ट है, अशोक का संबंध किस वंश से था? अशोक का संबंध किस वंश से था? तो आंसर है मौर्य। अशोक का संबंध मौर्य वंश से था। नेक्स्ट है, चंद्रयान प्रथम किस वर्ष छोड़ा गया था? चंद्रयान प्रथम किस वर्ष छोड़ा गया था? और इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 2008 में चंद्रयान प्रथम 2008 में छोड़ा गया। हेल्प मेन्यू के लिए कंप्यूटर में किस बटन का प्रयोग किया जाता है? हेल्प मेन्यू के लिए कंप्यूटर में किस बटन का प्रयोग किया जाता है? तो F1 का आपको हेल्प देता है। नेक्स्ट, मसालों की रानी के रूप में किसे माना जाता है? मसालों की रानी के रूप में किसे माना जाता है? मसालों की रानी के रूप में किसे माना जाता है? इसका आंसर है इलायची को। मसालों की रानी इलायची को कहा जाता है। नेक्स्ट है, ग्राउंड लेवल से बैडमिंटन नेट की ऊंचाई कितनी होती है? ग्राउंड लेवल से बैडमिंटन नेट की ऊंचाई कितनी होती है? और इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1.524 मीटर। नेक्स्ट है, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो गुलाम वंश का जो संस्थापक था वो सही है ऑप्शन नंबर बी, कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, कोरिया देश की मुद्रा क्या कहलाती है? कोरिया देश की मुद्रा जो कहलाती है उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 32, कल्पना चावला के अंतरिक्ष शटल का नाम क्या था? कल्पना चावला के अंतरिक्ष शटल का नाम क्या था? और इसका सही आंसर है कोलंबिया नाम था कल्पना चावला के शटल का। ठीक है, नेक्स्ट है, विधायी शक्तियाँ किसमें निहित होती हैं? तो विधायी शक्तियाँ निहित होती हैं संसद में, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, भारत द्वारा छोड़ा गया पहला जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कौन सा है? ऑप्शन ए, एप्पल। नेक्स्ट है, बांग्लादेश ने अपने संविधान को किस वर्ष अंगीकृत किया था? 1972 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल्लीकट्टू किस राज्य का प्रसिद्ध खेल है? इसका आंसर है तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसके द्वारा तैयार किया गया था? भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसके द्वारा तैयार किया था? सही है पिंगली वेंगैया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगत सिंह को किस वर्ष फांसी दी गई थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1931 में। भारत का प्रथम बैंक कौन सा है? तो सही आंसर है बैंक ऑफ हिंदुस्तान। इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? और अब कमेंट बॉक्स में ये लिखिए कि इसरो की स्थापना किसने किया था। ठीक है, ये आपके लिए प्रश्न है, इसरो का मुख्यालय कहाँ है? तो बेंगलुरु में है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे।